बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक, खुशबाश, फिट फाट होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है दही वाले बैंगन। सिंपल सी रेसिपी और बहुत मज़े की तैयार होती है। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो आपके सामने और मैं आपको बता भी देती हूँ। ये बैंगन है तकरीबन 1 kg और इनको मैंने इतने स्लाइस की शेप में काट ली हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप मोटे भी काटना चाहें, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा नहीं। और ये नमक, एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और तकरीबन मैंने 2 प्याज ली हैं छोटी, उनको ऐसे चॉप कर लिया बिल्कुल छोटे छोटे। आधा चम्मच अदरक है, आधा चम्मच लहसुन है, इनको मैंने कूट लिया है, और 1/2 kg दही है। और मसाला जात में जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, हल्दी है थोड़ी सी, चाट मसाला बिल्कुल, ये तो हंस पे ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं या कम खाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ज़ीरा पाउडर है 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और गरम मसाला है वो भी आपके हिसाब से है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये बाउल में मैंने नमक डाल दिया और ये तमाम जो बैंगन मैंने काट के रखे थे इनको इसमें डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। बाउल में मैंने बैंगन डाल दिया, नमक डाल दिया और इनको मैं मिक्स कर लूँगी और 15 मिनट मैं ऐसे रहने दूँगी इसको, और 15 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसको करूँगी फ्राई। तकरीबन 15 मिनट हो गए, अब मैं बनाने लगी हूँ मसाला इसका। और एक छोटी देसी घी, मैंने 2 चम्मच ऑयल और ये प्याज डाल दिए। उससे बस थोड़ा सा, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला है क्योंकि मैं खानों में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करती इसलिए, और वैसे भी ये नॉनस्टिक के जो बर्तन होते हैं इसमें इतना ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं होता। एक साइड पे तैयार होगा मसाला और दूसरी साइड पे मैं बैंगन फ्राई कर लूँगी। इसमें भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, आप देख सकते हैं, और मैं चूल्हा ऑन कर दिया। और ये बैंगन जो 15 मिनट से मैंने पानी में भिगो के रखे थे इनको साइड पे रख देती हूँ, और एक एक पीस मैं पैन में डाल दूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऑयली बनते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट पिंक करना है। और यहाँ पे बैंगन भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसकी साइड चेंज करते रहे। प्याज ब्राउन हो गई, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे तरीके से भून लूंगी। और आप देख सकते हैं बैंगन ये भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें भी बस मैं थोड़ी देर तक निकाल दूंगी। बैंगन हो गए हैं फ्राई, अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन। मसाला फ्राई हो गया और अब इसमें मैं डालूंगी ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे और इन्हें भून लूंगी। इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी। ढक्कन ढक दूंगी और आंच थोड़ी हल्की कर दूंगी। देख सकते हैं अब मसाला भी फ्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है जो मैं 2-3 चम्मच डाला था, और बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। और उधर बैंगन भी हो गए हैं ऑलमोस्ट, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं।
ये आप देख सकते हैं सारे मैंने बना लिए हैं, और ये भी मसाला रेडी है, और मैं इसका भी चूल्हा बंद करने लगी हूँ और ढक्कन ढक दूँगी। अब मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें मैं रखूँगी बैंगन एक एक पीस करके, और ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा मसाला। और ऊपर दही मैंने फेंट ली थी, दही गाढ़ा लेना है पतला नहीं। फिर इसके ऊपर एक फिर ले लगाएंगे बैंगन की, दो लेयर्स बहुत है। ले जी, और ये जो मसाला हमारा बचा था वो फिर इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर दही, इसे थोड़ा सा आप हिलाएं ताकि दही अच्छी मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं लगाऊंगी तड़का सिर्फ साबुत लाल मिर्च का। एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया, और इसमें मैं शामिल करूंगी 4 साबुत मिर्चें, और इनको मैं हाथ से तोड़ लूंगी। और ये इसमें शामिल करके थोड़ा सा बस कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है, तैयार हो जाती है। ले जी, फ्राई हो गई मिर्ची, चूल्हा बंद कर दूँ, तड़का लगा दिया है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। और अब मैं ऊपर डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत इजी और बहुत मज़े की तैयार होती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।